सो so, आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है जिस टॉपिक पे दैट इज मोड्स तो हम हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी मार्जिनल ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स ये सारी की सारी चीजें आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी पढ़ने वाले हैं जिनसे हमारे बहुत 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 क्वेश्चंस आते हैं सो so, एक्साइटेड हैं सभी लोग आई होप यस लेके तो, ले तो सबसे पहले हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारी दो तरह की वर्ब्स होती है एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सी वर्ब होती है जो एक्शन करती है कोई काम हो रहा है कोई एक्शन हो रहा है तो उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं उस वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मदद करने के लिए होती है। मेन वर्ब की वो मदद करती है जिससे कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो और ज्यादा क्लियरली समझ में आ सके सभी को इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आई डांस एंड आई डांस तो तो पे समझ में आ रही है 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 एक ही है, तो ये है। और अगर मैं इस sentence में देखूं तो ये है और ये आई कांट जो, है, जो can't है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन आता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले आ सकता है तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकता मेन वर्ब अकेले आ सकता है सेंटेंस में लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब अगर आया है तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा और मेन वर्ब के साथ में आएगा कोई दिक्कत अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी आज का जो आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और एकदम ना माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है तो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में सो so, रेडी आगे बढ़े चलिए तो अभी हमने वही पढ़ा कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं एक हमारी मेन वर्ब्स होती हैं और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब में हमने कल की क्लास में पढ़ा था ट्रांजिटिव और इन ट्रांजेटिव होता है और हेल्पिंग वर्ब में हमारी जो दो तरह की वर्ब्स होती हैं जिनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं फिर एक हमारे मार्जिनल मॉडल्स भी होते हैं और फिर एक वर्ब्स जो होती है वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं तो ये तीनों के बारे में हम एक एक करके आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं आज का पूरा सेशन इसी को डेडिकेटेड है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं आपके मॉडल्स क्या होते हैं आपके मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं किसको हम कहा यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करती हूँ बेटा तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आता है आपने बहुत बार देखा होगा कि इज एम आर बी हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर भी हेल्पिंग वर्ब होता है सिमिलरली डू डज और डिड भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिमिलरली बीई जो होता है उसकी ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं। तो ये सारी की सारी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं अगर मैं मॉडल्स की बात करती हूँ तो मॉडल्स में हमारा आ जाता है कैन कुड मे माइट शाल शुड वुड ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं मॉडल्स में अगर मैं प्राइमरी मॉडल्स की बात करती हूँ तो इसमें तीन प्राइमरी अगर मैं मार्जिनल मॉडल्स की बात करती हूँ तो इसके अंदर तीन मॉडल्स आते हैं यूज टू डेयर टू एंड नीड टू ये तीनों के तीनों अभी हम पढ़ने वाले हैं अब एक बहुत खास बात क्या है बच्चे कि ये जो मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज दी हैं ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करती हैं यहाँ पे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनको हम मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है डबल डबल रोल प्ले करते हैं इनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हो और इनको आप मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हो और यहीं से सा सारा कंफ्यूजन आता है देखो मैंने एक प्राइमरी ऑक्सिलरी लिया यहां पे हैव हाँ। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखोगे आई हैव डन इट मैंने इसको किया है आई तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा डन जो है मेन वर्ब है और ये जो have है ये हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ मदद कर रहा है जबकि अगर आप दूसरा सेंटेंस देखोगे आई हैव अ कार मेरे पास एक गाड़ी है यहाँ पे एक ही वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी अकेले आती नहीं है एक ही वर्ब है इसका मतलब ये क्या हो गया ये जो have है बेटा ये कौन सी वर्ब है ये आपकी मेन वर्ब है तो जितनी भी मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज बताई थी कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैंने आपको बताई थी बच्चे मैंने आपको बताया था is, am, are, उसके बाद वॉज वर उसके बाद डू do, ड और डिड तो ये जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये दोनों रोल्स प्ले करती हैं ये मेन वर्ब्स भी होती हैं और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है आई हैव डन इट हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है इसका मतलब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आई हैव अ कार को आप देखोगे एक ही वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेंस बदला किसने ये जो टेंस बदला ये इस हैव ने बदला कोई दिक्कत किसी को तो ये सारी की सारी वर्ब्स मेन वर्ब्स भी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स तो हमने पढ़ी हुई हैं जब ये मेन वर्ब्स होती हैं तो ये एक टेबल को फॉलो करती है वो टेबल देखते हैं वो क्या टेबल है जब ये सारी की सारी वर्ब्स आपकी मेन वर्ब्स होती हैं तो जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे इज एम आर बी ई हैज हैव डू और डज ये सारी की सारी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है ये सारी की सारी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये वॉज वर हैड और डिड ये सारी की सारी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म है और ये हैड और बी डबल एंड बीन ये सारी की सारी क्या है ये सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक कॉपी पेन लेके बैठना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि मैम दो हैड लिखा हुआ है तो क्या मतलब है दो तीन हैड भी एक साथ लगा सकते हैं क्या वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे तीन हैड भी साथ में आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में आपको पता है कभी देखा सेंटेंस जहां पे आई हैड 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 तीन हैड आ गए तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं एक रिक्वेस्ट करूंगी बारह सौ बच्चे वाँगे वाँगे है। uh, सारे परफेक्शन वाले बच्चों को नहीं पता चला है इस क्लास के बारे में क्योंकि रिक्वेस्ट एवरी वन एक बार शेयर कर दो इस सेशन को लाइक कर दो जिससे कि हर बच्चे को पता चल जाए चल अब यहाँ पे सेंटेंस देखना मैंने एक सेंटेंस लिखा आई बुक मैंने सेंटेंस क्या लिखा बच्चे आई हैव हैड अ बुक बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है और अगर ये सही है तो कौन सा टेंस है आई हैव हैड अ बुक ध्यान से देखना है इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है ये हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में लगती है किस टेंस में लगता है प्रेजेंट में तो ये कौन सा टेंस हो गया दिस इज प्रेजेंट है आई है बुक मेरे पास एक किताब है प्रेजेंट परफेक्ट मैंने एक और सेंटेंस लिखा मुझे बताना वो कौन सा टेंस है आई अ बुक व्हिच टेंस इज दिस दो हैड लगे हुए हैं दो हैड वाला तो इजी है अभी तीन हैड वाला बताऊंगी तो बहुत मजा आएगा आई हैड 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 अ बुक और ये वाला तो क्या हो गया ये वाला हैड तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया ये वाला हैड क्या हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है राइट ये कौन सा टेंस हो गया ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट तो जब भी दो हैव हैव एक हाव और एक और हार्ड लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और दोनों हार्ड होते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है अच्छा क्या कभी भी हार्ड है कभी भी सेंटेंस ऐसे हो सकता है आई हार्ड अ बुक ये सेंटेंस मुझे बताओ सही है या गलत है मैंने आपको एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख के दिया आई बुक इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी लगती है क्या ये फर्स्ट फॉर्म है क्या हैड के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है नहीं लग सकती हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लग सकती इसका मतलब ये वाला सेंटेंस क्या हो गया गलत हो गया सो दिस सेंटेंस इज ड्रॉ तो हमेशा जब एक एक हैड गया दो हैड होंगे दूसरा वाला जो होगा वो हैड ही होगा कभी भी बाद में नहीं आ सकता है कोई दिक्कत किसी को अच्छा मैंने एक और सेंटेंस लिखा मुझे उसका टेंस बताना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आई एम राइटिंग वन मोर सेंटेंस यू टेल मी इट्स टेंस मैंने सेंटेंस लिखा बच्चे आई डिड नॉट डू इट आई डिंट बताओ कौन सा आई I didn't डू इट डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है विच टेंस इज इट वेरी गुड इट इज सिंपल पास्ट टेंस क्या कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है आई डिड नॉट डिड इट अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया ऐसा आई डिड नॉट डिड इट क्या ये सेंटेंस सही है आई डिड नॉट डिड इट क्या डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कभी लग सकती है नहीं लग सकती डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकती इसका मतलब ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस सही है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू चलो वेरी गुड अब अगली चीजों पे आते हैं आई हैड अ कार कौन सा टेंस है मुझे बताओ आई हैड अ कार एक ही वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक ही वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये कौन सा टेंस है राइट right. ये जो हमारा टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस है वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है यहीं पर अगर दो हो जाते तो I had had a कार इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देती तो I had had a कार अब दो had लग गए तो ये had है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म Had को वर्ब की वह फॉर्म की तरह भी इस्तेमाल करते हैं work की थर्ड फॉर्म की तरह तो, अब ये कौन सा टेंस हो गया अब ये जो टेंस हो गया वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया तो हैड अ कार भी सही होता है और हैड हैड अ कार भी सही होता है बस डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ये होता है कि ये सिंपल पास्ट होता है और ये वाला आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है कोई दिक्कत किसी को मैम दो हैड भी आ सकते हैं क्या चलो दो हैड वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैम क्या तीन हैड भी आ सकते हैं क्या अब देखो तीन हैड वाला सेंटेंस अब और मजा आने वाला है पहले मुझे आप लोग बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है व्हाट ही हैड 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 अ डीप इंपैक्ट ऑन मी ये सेंटेंस सही है या गलत है तीन हैड एक साथ दे रखे हैं बड़ी कंफ्यूजन है मैम चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को लो ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं व्हाट ही

ये दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिखा हुआ है एक सेंटेंस था ही हैड समथिंग या फिर इट कर लो तो और इजी हो जाएगा ही हैड हैड इट इट हैड अ डीप impact

इसका जो टेंस था वो सिंपल पास्ट था और जब इन दोनों को जॉइन किया तो जो बना वो ये बना जब इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन किया तो जो बना वो ऊपर वाला सेंटेंस बना व्हाट ही हैड हैड कॉमा हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन मी मतलब ये जो सेंटेंस है इज़ तो द अमलगमेशन अमलगमेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कॉम्बिनेशन ये जो सेंटेंस है ये मैं आपको ना बहुत एडवांस इंग्लिश में ले गई इस सेंटेंस को करवा के बट मेरा मन था आप लोगों को समझाने का तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये क्या है ये अमलगमेशन है ऑफ टू टेंसेस इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस या अमलगमेशन ऑफ टू टेंसेस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको कौन-कौन से दो टेंसेस हैं इनका अमलगमेशन है ये वाला व्हिच इज पास्ट परफेक्ट और ये वाला विच इज सिंपल तो पहला वाला क्या था पास्ट परफेक्ट था और दूसरा वाला क्या था सिंपल पास्ट था तो दो टेंसेस के अमलगमेशन को यहां पे हमने इस्तेमाल किया हुआ है दो टेंसेस को कंबाइन करके इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए यहां पे आपको तीन हेड साथ में दिख रहे हैं समझ में आया सभी को चार हेड भी हो सकते हैं यहां पे भी पास्ट परफेक्ट कर लो यहां पे भी पास परफेक्ट कर लो दो पास्ट परफेक्ट टेंस को मिला दो तो चार हैड भी हो सकते हैं वॉट ही हैड 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 कॉमा अ डीप इंपैक्ट ऑन मी तो ये वाला भी पास परफेक्ट और ये वाला भी पास्ट परफेक्ट अगर ये दोनों पास परफेक्ट हो जाएंगे तो चार हैड आ जाएंगे बीच में क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया इज द कॉन्सेप्ट क्लियर एवरी वन आगे बढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक और सेंटेंस लिखते हैं देखते हैं लेट्स लुक वन मोर सेंटेंस व्हाटएवर शी डस इरिटेट्स हर मदर इन लॉ इससे पहले एक सेंटेंस अच्छा व्हाटएवर शी डस इरिटेट्स हर मदर इन लॉ इस सेंटेंस सही है गलत है एक और गहराई में कूदते हैं ग्रामर की वो जो भी करती है उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करती है सेंटेंस सही है गलत है मैम देखो आप ही ने हमें पढ़ाया था कि डू और डस के साथ या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी एस और एसोरियस नहीं लगता ये हमने पढ़ा भी है और आपने पढ़ाया भी है कि डू डस और डिड के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एस और एसोरियस नहीं लगता आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एसोरियस लगा रखा है तो आपका तो सेंटेंस गलत है कितने लोगों के मन में ये बात आ रही है अगर आपके मन में ये बात आ रही है तो आप इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझे यू डिडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगता है जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मेन वर्ब होती है ये कॉन्सेप्ट कब लगता है ये कॉन्सेप्ट तब लगता है कि डू do, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है और ये मेन वर्ब होती है मैम ये तो परफेक्शन बात से भी ज्यादा दिमाग का कर रहा है कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही है चलो फोकस करो जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है आई डू नॉट गो देर मैं वहां नहीं जाती तो यहाँ पे मेन एक्शन गो था ये मेन वर्ब थी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी इसलिए यहां पे गो go था गोज नहीं था अब इस सेंटेंस को देखो वट एवर शी डज वो जो कुछ भी करती है यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है वो जो कुछ भी करती है शी का एक्शन है वो उसकी मदर इन इरिटेट करता है है ये भी एक्शन जब दोनों एक्शन है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं डज भी यहाँ पे मेन वर्ब है और इरिटेट्स भी यहाँ पे मेन वर्ब है वट एवर शी डज वो जो काम भी करती है उसको उसकी मदर इन लॉ की जो तो सासू माँ है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है परेशान हो जाती है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा दिया दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता इस सेंटेंस भी दो पार्ट में था एक्चुअली अब मैं आपको इस सेंटेंस के पीछे की कहानी बताती हूँ कहानी बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगी कहानी ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस थे शी डज इट comma it irritates her mother in law ये सेंटेंस भी अमलगमेशन था दो टेंसेस का जो अभी पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ाया ये उसी का एग्जांपल था और ये क्या था शी डज इट वो उस काम को करती है इट इरिटेट्स हर मदर इन लॉ वो काम उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करता है परेशान करता है तो ये दो टेंसेस का अमलगमेशन था पहला टेंस भी सिंपल प्रेजेंट था दूसरा टेंस भी सिंपल प्रेजेंट था और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है तो यहाँ पे भी डज आएगा यहाँ पे भी इरिटेट्स आएगा और इसी को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया था वट एवर शी इरिटेट्स हर मदर इन लॉ इसका मतलब ये जो सेंटेंस था ये बिल्कुल सही था दिस सेंटेंस वॉज नॉट रॉन्ग ये सेंटेंस गलत नहीं था कोई दिक्कत तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे डू और डज के लिए या डिड के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी और उसके साथ एस और ई एस भी लगा कितने लोगों को नहीं समझ में आया तो ये जो सेंटेंस था बेटा ये दो सेंटेंसेस का मिक्सचर था बेसिकली ये दो सेंटेंसेस थे शी डज इट और इट इरिटेट्स हर मदर इन लॉ अच्छा ये समझ में आ रहा है जिन बच्चों बच्चों को को अभी नहीं समझ में आया उन दूसरे तरीके से समझाती हूँ हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के सर के ऐसे ऊपर से चला गया चलो यहां पे देखो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे डज आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है डज आएगा क्या ये समझ में आ रहा है पे इरिटेट्स आएगा सिंगुलर है सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस e लगाते हैं मैंने दो सेंटेंसेस और लिखे शी डिड इट और एक सेंटेंस और मैंने लिखा इट इरिटेटेड मी दो सेंटेंसेस और लिखे मैंने आपके लिए उसने वो काम कर दिया और इट इरिटेटेड मी और मैं उस काम से इरिटेट हो गई क्या मतलब ये दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह सही है इनफैक्ट ये जो चारों सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल सही है कोई डाउट चल अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं वो जो भी काम करती है उसकी मदर इन लॉ से इरिटेट हो जाती है व्हाटएवर शी डस कॉमा इरिटेट्स हर मदर इन आपको ये बात समझनी है इसमें कि ये जो डज है ये भी मेन वर्ब है और ये जो इरिटेट्स है ये भी मेन वर्ब है ये अलग सेंटेंस है ये अलग सेंटेंस है ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है ये इस पार्ट की मेन वर्ब है और मेन वर्ब के केस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस और ई एस ही आता है अगर मैं उन वाले सेंटेंस को कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा वट एवर डिड उसने जो काम भी किया कॉमा इरिटेटेड मी और एग्जाम में क्या करते हैं कॉमा गायब कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए आप लोग तो रट के चले जाते हो कि डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या डू और डस के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस ऐस e नहीं लगता और वहीं पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं ये डिड के साथ नहीं है ये अलग है ये अलग है ये डस के साथ नहीं है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये अलग है और ये अलग है क्लियर कॉन्सेप्ट सभी को एवरी वन यस शुभम वर्मा क्लियर है शिवम चौहान नहीं बेटा रिकॉर्डेड थोड़ी ना लाइव चल रहा है कैसी बातें करते हो कभी कभी चलो आगे बढ़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्या हो गया शी वीडेड इरिटेटेड हर मदर एड लॉन्डेड अलग मेन वर्ब है इरिटेटेड अलग मेन वर्ब है चलिए लेट्स मूव अहेड दो में था ये अब अब आ आ जाते जाते हैं हैं पे, types of helping verbs पे पे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। और main मुद्दा है आज का that is, models या फिर helping verbs. तो basically, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं जिनके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया इज एम आर वॉज हम पढ़ेंगे टेंसेस वाले टॉपिक में भी अब जो मेन मुद्दा मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो दो तरह की ऑक्सिलरीज आपके साथ डिस्कस करनी है पहली चीज जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है आज के सेशन में वो है आपके मोडल्स बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को और एग्जाम्स में भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम सारे मॉडल वर्ब्स इसको मोडल्स भी बोलते हैं मॉडल्स भी बोलते हैं दोनों प्रोनाउंसियशन देखी गई है तो कैन और कुड डिस्कस करेंगे May और माइट डिस्कस करेंगे कहाँ-कहाँ यूज होता है कैसे कैसे यूज होता है एग्जाम्पल सेंटेंसेस सारी चीजें बताऊंगी शैल और शुड डिस्कस करेंगे विल और वुड डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद मस्ट डिस्कस करेंगे शुड डिस्कस तो हो गया ऑट टू डिस्कस करेंगे तो ये सारे हम मोडाल्स में डिस्कस करेंगे एक दूसरी कैटेगरी मार्जिनल मोडल्स इसमें हम ये तीन डिस्कस करेंगे यूज टू नीड और डेयर ठीक है तो अब हमें ये एक, -एक करके इन सबका यूसेज पढ़ना है कौन सा कहां लगाते हैं कैसे लगाते हैं और सारी की सारी चीजें पढ़नी है ठीक है ओके okay. तो सबसे पहले आते हैं विल और शैल पे विल और शैल का कहा इस्तेमाल किया जाता है सिंपल सी बात है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप भी क्या बातें बोलते हो विल और शैल को कहा यूज करते हैं फ्यूचर में जब मुझे कोई बताना होता है कि कोई टास्क फ्यूचर का है कोई टास्क आगे होने वाला है तो हम विल और शैल को यूज करते हैं अब विल और शैल में विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है पहले उस डिफरेंस को समझते हैं डिटेल में क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है वो मुझे क्या बोलते हैं है? मैम हमें तो बचपन में यही पढ़ाया गया था कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं जितने बच्चों को ये पढ़ाया गया था अधूरी इन्फॉर्मेशन थी समझना बहुत बहुत अधूरी इन्फॉर्मेशन थी जिन बच्चों को ये लगता है सबसे पहले मैं शैल की बात करूंगी उसके बाद मैं विल की बात करूंगी शैल को आई और वी के साथ जब यूज करते हैं तो नॉर्मली यूज करते हैं कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं होती जब हम शैल को आईओ बी के साथ यूज करते हैं तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कोई किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैम आई शैल वर्क हार्ड मैं मेहनत करूंगा तो इसका मतलब क्या है आप मुझे नॉर्मली बोल रहे हो कि हाँ जी मैम मैं बहुत मेहनत करूंगा या फिर आपने बोला वी शैल वर्क हार्ड ठीक है आप मुझे नॉर्मली बोल रहे हो कि हाँ हम बहुत मेहनत करेंगे इसी शाल को अगर हम बाकियों के साथ लगा दें यू के साथ ही के साथ शी के साथ इट के साथ दे के साथ राम के साथ श्याम के साथ बलराम के साथ घनश्याम के साथ इसका मतलब इसी शाल को अगर हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगा दें तो इसका मतलब होता है कि आप उनको क्या बोल रहे हो जबरदस्ती वो काम करने के लिए बोल रहे हो आपने उनके ऊपर क्या बोला कंपल्सरी कर दिया वो काम वो काम कैसा हो गया कंपल्शन हो गया ऑब्लिगेटरी हो गया या एक ऑब्लिगेशन हो गया कि भाई वो काम तुम्हें करना ही करना पड़ेगा मैंने आपको क्लास में बोला यू शेल गेट आउट ऑफ द क्लास तो इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको बिल्कुल फोर्स करते हुए बोल रही हूं कि भाई क्लास से बाहर चले जाओ तो जब हमने इसी शाल को यूज ही शी इट दे राम श्याम घनश्याम बलराम के साथ लगाया तो इसका मतलब हो गया कि वो एक जबरदस्ती वाला काम है अब वो आपको हर हालत में करना ही करना पड़ेगा तो मैंने अगर बोला ही शाल डू इट तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो काम किए बिना नहीं काम चल सकता आपको वो काम हर हालत में करना ही करना पड़ेगा क्या ये दोनों बातें क्लियर शैल की तो पहला यूसेज था इनके इनके साथ साथ। और दूसरा यूसेज है इनके साथ। कोई डाउट किसी को भी एक शैल का तीसरा यूसेज भी होता है और वो तीसरा यूसेज होता है शैल का जब हम किसी तरह की परमिशन की बात करते हैं। आप सामने वाले से कोई परमिशन ले लो मैं आपसे पूछ रही हूँ आए हम आगे बढ़े मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर आप लोगों ने लिख लिया तो आई रब द बोर्ड मैं बोर्ड को मिटा दू जो मैंने लिखा है उससे मैं आगे बढ़ जाऊं तो तीसरा शैल का यूज होता है जब हम किसी तरह की परमिशन लेते हैं मुझे सामने वाले से आंसर यस या नो में चाहिए होता है तब उस केस में हम शैल को इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा शैल आई इरेज कंटेंट क्या मैं इस कंटेंट को मिटा दूं तो उसमें क्या बोलते हैं शैल कोई दिक्कत शैल में क्या शैल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि शैल मॉडल वर्ब को हम कहां, कहां यूज करते हैं चल अब अगर शैल क्लियर हो गया है तो अब हम आते हैं अगली मॉडल वर्ब पे और वो है विल विल को कहाँ-कहाँ यूज करते हैं मैं एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ सेकंड लेट मी ऐड अ स्लाइड स्लाइड कहाँ से ऐड होगी भी लास्ट यूज चलिए नहीं हो रही कोई बात नहीं को मैं रब कर लेती हूँ हाँ तो अब मैं आपको बता दू विल को हम कहा यूज करते हैं समझ में आया ना शाल कोई दिक्कत तो नहीं है ना शाल के यू में हाँ। अब बात करते हैं विल की शाल का ऑपोजिट होता है विल बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है शाल का विल तो अगर मैं विल की बात करती हूं तो अगर मैं आई को विल को आई के साथ और यू के साथ इस्तेमाल करती हूं तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि मैं उस काम को हंड्रेड परसेंट करूंगी डिटर्मिनेशन के साथ मैं उस काम को करूंगी तो हम क्या लगाते हैं आई और यू के साथ विल लगाते हैं तो अगर मैं आपसे पूछती हूं कि आप मुझे बताओ कि आप क्या बोलोगे आई विल क्लियर द एग्जाम बोलोगे या आई शैल क्लियर द एग्जाम बोलोगे सही दोनों है मीनिंग अलग अलग है अगर आप बोल रहे हो आई शैल क्लियर द एग्जाम उसका मीनिंग है ठीक है ना मैम कर लेंगे ना लेकिन अगर आप बोल रहे हो आई विल क्लियर द एग्जाम तो इसका मतलब क्या है आपने मन में ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए हर हालत में हम एग्जाम क्लियर करेंगे ही करेंगे मतलब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ गया है उस काम को करने का सिमिलरली अगर विल को यू ही के साथ शी के साथ इट के साथ और दे के साथ इस्तेमाल करते हैं ही शी इट अच्छा मैंने गड़बड़ गर, लिख दिया एक मिनट एक मिनट। एक मिस्टेक कर दी मैंने हाँ आई और बी यहाँ पे क्या आएगा यू तो सिमिलरली अगर हम ही शी इट दे यू राम श्याम घनश्याम, बलराम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल को यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है हम कैसे बात कर रहे हैं हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कोई डिटर्मिनेशन नहीं है ही विल डू इट मतलब वो कर लेगा ही शाल डू इट मतलब जबरदस्ती करना पड़ेगा आई विल डू इट मतलब हंड्रेड परसेंट डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे और आई शाल डू इट मतलब नॉर्मली कर लेंगे क्या डिफरेंस समझ में आया विल और शाल के बीच में तो विल और शैल जो है आपस में बिल्कुल ही ऑपोजिट है बिल्कुल ही अलग अलग है जहां पे आई और वी के साथ विल डिटर्मिनेशन दिखाता है वहां पे आई और वी के साथ शैल क्या होता है नॉर्मल होता है यू ही शी इट दे के साथ शैल का मतलब होता है कंपल्शन और विल जो होता है वो नॉर्मल होता है बिल्कुल उल्टा है विल और शैल क्लियर सभी को कोई दिक्कत अब अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं और अगला मॉडल वर्ब है शुड। शुड को हम चार केसेस में इस्तेमाल करते हैं पहला जो शुड का यूज होता है वो होता है जब मुझे पास्ट टेंस में फ्यूचर शो करना होता है फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज का एक एग्जांपल एग्जाम्पल भी दूंगी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एक आपको स्पीच बना के दिया ही सेड कॉमा ही शैल डू इट वो इस काम को करेगा अब मुझे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाऊंगी मैं लिखूंगी ही सैड दैट ही शुड डू इट तो जब भी मुझे शैल का पास्ट करना होता है जब भी मुझे शैल का पास्ट करना होता है तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं हम उस केस में शुड यूज करते हैं तो शुड क्या डिनोट करता है शुड डिनोट करता है फ्यूचर इन द पास्ट टेंस अगले पे आते हैं ड्यूटी और ऑब्लिगेशन किसी की कोई ड्यूटी होती है किसी की कोई जिम्मेदारी होती है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं शुड यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या ड्यूटी है हमारी आर्मी की कि वो हमें प्रोटेक्ट करे तो हमने क्या लिखा आर्मी या फिर मैंने लिखा वन एक ऐसे सेंटेंस लिख दिया वन शुड डू दू वंस ड्यूटीज वन शुड डू दू वंस ड्यूटीज तो जब भी हम किसी की कोई ड्यूटी होती है कोई ऑब्लिगेशन होता है उसकी कोई जिम्मेदारी होती है उसकी बात करते हैं तो उस केस में हम क्या लगाते हैं शुड लगाते

अबाउट दैट तुम्हें उसे ना उसके बारे में पूछना चाहिए हम क्या दे रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए तो जब भी हम कोई एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं उस केस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं अगला जो पे शुड यूज होता है वो होता है लेस्ट के साथ लेस्ट एक कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है अन्यथा अदरवाइज लेस्ट क्या होता है एक कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है अन्यथा otherwise. अदरवाइज तो जब भी लेस्ट यूज करते हैं तो वहां पे जो मॉडल वर्ब आती है वो या तो कोई भी मत लगाओ या फिर शुड लगाओ शुड का लगाना कंपलसरी होता है और कोई मॉडल वर्ब को हम यूज नहीं कर सकते हैं तो मैंने एक सेंटेंस लिखा वर्क हार्ड you Should fail. मेहनत कर लो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे तो हमने वहां पे क्या यूज किया हमने वहां पे शुड का इस्तेमाल किया तो लेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है लेस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि या तो शुड लगा दो या फिर शुड मत लगाओ बच्चा जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना उसमें जो मैं लिख रही हूं ना वो उस पी में नहीं आएगा तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको नोट करते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है तो नोट करते हुए या लेते हुए चलो क्लियर हुआ शुड सभी को यस yes. चल आगे बढ़ते हैं अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं और अगला मॉडल वर्ब है वुड जैसे शैल का पास्ट शुड होता है सिमिलरली विल का पास्ट क्या होता है शैल का पास्ट शुड तो विल का पास्ट क्या हो गया बच्चे

विल का पास्ट क्या हो गया विल का पास्ट हो गया वुड तो दिस इज द फर्स्ट यूसेज ऑफ वुड दूसरा वुड हम कहा यूज करते हैं वुड हम यूज करते हैं जब हम किसी की कोई पुरानी आदत बता रहे होते हैं। जब किसी की कोई पास्ट हैबिट बताते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई वुड थ्री एम इसका मतलब क्या हो गया मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि पहले मैं तीन बजे उठा करती थी या पहले मैं तीन बजे उठ जाती थी तो आप कोई अपनी कहानी बता रहे हो कोई नरेशन बता रहे हो कोई स्टोरी सुना रहे हो अपने पुराने पास्ट की तो ही वुड कम एंड मी वो आता था मुझसे पूछता था कि क्या हुआ तो जब भी हम कोई पास्ट हैबिट बताते हैं या पास्ट एक्शन बताते हैं किसी के तो हम वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड का इस्तेमाल कहा होता है जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो रिक्वेस्ट करो गिव मी अ पेन क्या तुम तो मुझे एक पेन दे, तो दे दोगे तो जब आप बहुत पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं उस केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं बट आपके एग्जाम्स में ना बहुत बार आते हैं मॉडल वर्ब्स कभी कभी तो पूरी पूरी टेबल्स बनी हुई आई हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन बताती एक बार एग्जाम में आया था इस तरफ सारे मॉडल वर्ब्स लिखे हुए थे और यहाँ पे सारे यूसेज लिखे हुए थे आपको मैच द कॉलम करना था कि किस मॉडल वर्ब को कैसे यूज करते हैं तो मॉडल वर्ब्स जो है आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे अगला हम वुड को बताते हैं जब हम कोई प्रेफरेंस दे रहे होते हैं कि मुझे ना ये पसंद है मुझे ना वो पसंद है मुझे ना ये करना है मुझे वो नहीं करना है तो जब हम कोई प्रेफरेंस बताते हैं तो उस केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वुड प्रिफर टी टू कॉफी मैं चाय को प्रेफर करूंगा कॉफ़ी के ऊपर तो जब हम प्रेफरेंस बताते हैं तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं आखिरी इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल कब होता है गोल्डन रूल नंबर टू और गोल्डन रूल नंबर थ्री में गोल्डन रूल नंबर टू क्या कहता है गोल्डन रूल नंबर टू कहता है वैसे मैं टेंसेज में भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी पूरा कंडीशनल सेंटेंस अलग से भी पढ़ाऊंगी बट फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं शॉर्ट में कि अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट में है अगर कंडीशन कौन से टेंस में है सिंपल पास्ट में है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो रिजल्ट में क्या यूज होता है रिजल्ट में आप यूज करते हो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट टेंस में है इफ आई वेंट देयर आई वुड आस्क हर दैट क्वेश्चन अगर मैं वहां गया होता तो मैं उससे वहां पे वो सवाल पूछता तो सेंटेंस कैसा बना यहाँ पे लिख दू जगह कम पड़ रही है ना। तो क्या बनता कंडीशन सेंटेंस का इफ आई वेंट देर आई वुड आस्क दैट क्वेश्चन मैं वो सवाल पूछता सिमिलरली कंडीशनल रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि अगर कंडीशन मतलब साथ वर्ब की थर्ड हो तो रिजल्ट में क्या आता है result में फिर से would लगता है would plus have plus verb की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज करते हैं तो अगर मैंने कंडीशन ऐसी बनाई इफ आई हैड गॉन देयर I would have asked that question. अगर मैं वहां गया होता तो मैं हो सकता है कि वहां पर एक सेकेंड वो सवाल पूछता तो इन इन सारी जगह हम वुड का इस्तेमाल करते आई वुड वुड डू दैट प्रेफरेंस के केस में अभी को यूज करते हैं कोई दिक्कत किसी को एनी प्रॉब्लम इन द यूसेज ऑफ वुड नोट करते हुए चल रहे हो ना सभी लोग कितने लोग हैं जो यहाँ पे नोट करते हुए चल रहे हैं या स्क्रीन शॉट लेते हुए चल रहे हैं पीडीएफ में आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे बेटा बट पीडीएफ में जो मैं लिख रही हूँ ना वो नहीं होगा जो टाइप्ड है बस वही आएगा पीडीएफ में क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे ना राइटिंग सेव नहीं होती है अगले पे आते हैं कैन कैन क्या क्या शो करता है एबिलिटी से स्टार्ट करते हैं क्या आपके अंदर उस काम को करने की capacity है क्या आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी है क्या आप उस काम को करने के लिए सक्षम हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कैन आई कैन डू इट मैं इस काम को कर सकता हूं ही कैन क्लियर क्लियर कर सकता है तो जब हम किसी तरह की एबिलिटी बताते हैं कि वो काम किया जा सकता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं कैन को यूज करते हैं अगली बात करते हैं पॉसिबिलिटी की कोई काम हो सकता है, शो सकता है बारिश हो आज हो सकता है हमारे घर पर रिश्तेदार आ जाए आज हो सकता है कि मेरी मम्मी का फोन आ जाए तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में भी हम कैन यूज करते हैं इट कैन रेन टूडे ही कैन कम टूडे तो जब किसी काम को करने की संभावना होती है तो उस केस में भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं अगला हम किसी से किसी तरह की परमिशन ले रहे हैं परमिशन ले रहे हैं का मतलब क्या है क्या मैं अंदर आ जाऊं क्या मैं यहां बैठ जाऊं क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लू कैन का यूज कर सकते हैं कैन कम इन कैन आई डू दैट क्या मैं वो कर सकता हूं कैन आई टच दिस मैं इस मार्कर को टच कर सकता हूँ तो उस केस में भी हम कैन यूज करते हैं अगला कैन होता है रिक्वेस्ट करने के लिए मैम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए कैसे कैन होता है तो आप बड़ी नई बात बता रहे हो हमें मुझे एक बात बताओ आप एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो आपको बगल वाले से ना नमक चाहिए आप उसको क्या बोलते हो कैन यू प्लीज पास दिस सॉल्ट कैन यू पास दैट डिश तो आप क्या उससे ये पूछ रहे हो कि तुम्हारे अंदर सक्षमता है क्या तुम केपेबल हो नमक पास करने के आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज भाई नमक पास कर दे तो हम कैन को रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं कैन यू पास द सॉल्ट मतलब आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नमक पास कर दे उसकी कैपेबिलिटीज की बात नहीं कर रहे कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है नमक पास करने की है या नहीं आप उससे रिक्वेस्ट करो कैन यू पास द सॉल्ट कैन यू टेल मी व्हाट इज द वे टू अक्षरधाम कैन यू हेल्प मी इन दिस कैन यू गिव मी द सोल्यूशंस ऑफ दैट पीपीटी मैम कैन यू गिव अस दिस पीपीटी तो आप ये नहीं पूछ रहे हो कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं आपको पीपीटी देने की आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैम पीपीटी हमें शेयर कर दो तो आप उसकी एबिलिटी नहीं पूछ रहे कोई पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहे परमिशन नहीं ले रहे खुद कुछ काम करने की उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो उस काम को कर दे तो उस केस में भी हम कैन को रिक्वेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं कोई दिक्कत किसी को कैन के यूसेज में अभी मैं पूरी टेबल भी बनवाऊंगी सो डोंट वरी जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम हमें ये कैसे याद होगा तो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि जितना भी फिफ्टी आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे इसमें जितना भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी सब टेबल की फॉर्म से, से याद करवाऊंगी तो वो मेरी जिम्मेदारी है चलो अगले पे आते हैं नेक्स्ट इज कुड कुड क्या होता है भाई कैन का पास्ट होता है कुड जैसे विल का वुड था शैल का शुड था ऐसे ही कैन का पास्ट क्या होता है कुड मैंने एक सेंटेंस लिखा ही सेड ही कैन डू इट तो इसका पास्ट क्या हुआ कैन का पास्ट क्या हुआ कुड ही सेड दैट ही कुड डू उसने क्या बोला कि वो उस काम को कर सकता था कैन का कुड रिक्वेस्ट के लिए कुड भी यूज करते हैं जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज कर रहे थे ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए कुड भी यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कुड आई टॉक टू मिस्टर राम तो जब भी आप किसी को फोन करो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ही फोन किया कि निमिषा मैम आपसे बात करनी है तो आप फोन करके क्या बोलोगे या आपने मेरे किसी काउंसलर को फोन किया कि मैम हमें ना निशा तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कुड कुड आई टॉक टू मिस तो हम क्यों यूज कर रहे हैं जब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कुड होता है बहुत पोलाइट बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए वुड भी यूज होता है और कुड भी यूज होता है किसी चीज की संभावना हो हो सकता है आज बारिश की संभावना है या कल बारिश की संभावना थी इट कुड रेन हो सकता है बारिश हो तो पॉसिबिलिटी के के केस में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं वी यूज कुड इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑल्सो क्लियर चलो अब मे के मैंने आपको यहाँ पर चार चीजें दी हुई मुझे सबके एग्जाम्पल बताएंगे सभी लोग कि मे कहा यूज होता है टेल मी द एग्जाम्पल्स एवरी वन परमिशन लेने के लिए क्या पूछा भाई मे आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूं अब मे आई कम इन और कैन आई कम इन में क्या डिफरेंस है कोई मुझे बता सकता है मे आई कम इन भी यूज करते हैं हम और हम कैन आई कम इन भी यूज करते हैं इज द डिफरेंस दोनों ही परमिशन के लिए है लेकिन ये जो मे आई कम इन है ना ये पोलाइट है दिस इज वेरी पोलाइट और ये नॉर्मल है तो अगर आप किसी टीचर को बोल रहे हो आपको याद होगा स्कूल के दिन कैसे करवाते थे ऐसे हाथ रखवाते थे और ऐसे करते मैम मे आई कम इन कैन आई कम इन नहीं बोलते थे टीचर्स हमें क्या सिखाते थे ऐसे हाथ रखो और ऐसे करो और पूछो मैम मे आई कम इन याद है किसी ने किया मुझे बहुत याद है हमारे स्कूल में हमें मे आई कम इन ऐसे करवाते थे अब पता नहीं मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आती थी जैसे हाथ क्यों आगे करवा के रिक्वेस्ट करवाते थे तो जब भी हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो मे यूज करते हैं नॉर्मली बोलते हैं वो इंसान हमसे ऊपर नहीं है हमारे ही सेम लेवल का है हम उसके ऑफिस गए हैं तो हम क्या यूज करेंगे उस केस में हम कैन आई कम इन यूज करेंगे आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है चल बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है चलो अगली बात करते हैं पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी भाई हो हो सकता है, हो सकता है है इस महीने मेरी शादी हो जाए आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे हो दे रही थी है हो सकता है आज मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी लाइफ बदल दे हो सकता है आज मेरे घर पे धन की वर्षा हो जाए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है भाई इट रेन हो सकता है आज बारिश हो अगला पर्पस किसी चीज का पर्पस क्या है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है फॉर एग्जाम्पल हम खाना क्यों खाते हैं वी ईट सो so दैट जिससे कि हम जी सके। वी मे लिव हमारा खाने खाने का पर्पस क्या है जिससे कि हम जी सकें हमारा पढ़ाई करने का पर्पज क्या है जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके वी वर्क हार्ड सो वी मे क्लियर दी एग्जाम क्या यूज करते हैं मे अगला मे हम कहा यूज करते हैं जब हम किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं कोई विश कोई प्रेयर कोई ब्लेसिंग उसके लिए भी हम मे यूज करते हैं मे गॉड ब्लेस यू बर्थडे पे जाके क्या बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू मे यू गेट ऑल happiness. तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करते हैं मेरी मम्मी का ना हमेशा गलत टाइम पे आता है चलो आई टॉक टू हर लेटर वैसे उनको लग गया ना दस बजकर तो परफेक्शन से फ्री हो गई होगी तो कॉल कर लेती हूँ तो मे गॉड ब्लेस यू जब भी हम किसी से कोई प्रेयर करते हैं कोई ब्लेसिंग ब्लेस bless करते हैं किसी को तब हम क्या यूज करते हैं मे मे यू अटेंड मे यू अटेंड ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड मे यू अटेन हैप्पीनेस मे यू अटेन गुड हेल्थ तो जब भी किसी को कोई विश देते हैं उसको कोई ब्लेस करते हैं इन दैट केस वी यूज मे कोई दिक्कत किसी को मे के केस के में अब कैन का पास्ट could था विल का वुड था शैल का शुड थारली मे का क्या होता है make past होता है might. तो इट इज माइट सेम सेंटेंस लिखूंगी ही सेड ही मे डू इट तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा ही सेड ही माइट डोट उसने क्या बोला कि ऐसा हो सकता है कि वो उस काम को कर जाए परपज के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं ही एट उसने खाना क्यों खाया सो दैट ही माइट लिव जिससे कि वो जी सके उसने खाना इसलिए खाया सो दैट ही माइट लिव जिससे कि वो जी सके रिमोट पॉसिबिलिटी धन की वर्षा होने के चांसेस बहुत लग रहे हैं आपको तो आप बोलोगे धन की वर्षा हो सकती है आपको लग रहा है धन की वर्षा के चांसेस बहुत कम है रिमोट पॉसिबिलिटी है ना के बराबर चांसेस है तो आप क्या यूज करोगे इट माइट फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन हो सकता है बारिश हो लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है बहुत कम है तो जब आप इट मे रेन बोलोगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर इट माइट रेन बोलोगे तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी कम है किसी चीज की तो जब हल्की सी पॉसिबिलिटी होती है हल्की फुल्की सी तो हम क्या यूज करते हैं उस केस में हम माइट यूज़ करते हैं परमिशन किसी के परमिशन के बारे में बताना है, की में, होता है तो परमिशन में भी पास्ट में क्या हो गया माइट ही आस्ट इफ ही पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता था तो हमने क्या यूज किया माइट पास्ट की परमिशन he asked if he might come in तो पास्ट की परमिशन के लिए माइट यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में माइट यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ ई डेड इट अगर उसने वो काम कर लिया इट माइट हेल्प हिम तो हो सकता है कि उसकी मदद हो जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम माइट यूज करते हैं अगर उसने वो काम कर लिया तो हो सकता है कि उसकी हेल्प हो जाए तो माइट को हम इन सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई दिक्कत माइट में अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं एंड द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज मस्ट मस्ट जरूरी है भाई बहुत जरूरी है मस्ट यू मस्ट टॉक टू हर तुम्हें उससे बात करना बहुत जरूरी है नेसेसिटी है कंपल्सरी है भाई करना पड़ेगा कैसे नहीं करोगे करना पड़ेगा कैसे नहीं करोगे नेसेसिटी है तुम्हारी ड्यूटी है भाई यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हें करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को ओबे करना पड़ेगा determination अंदर से आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ गया कि भाई मैं तो इस काम को करूंगा ही करूंगा मस्ट आई मस्ट वर्क हार्ड टू एक्सेल इन ऑल दाम करूंगा ही करूंगा डिटर्मिनेशन भी शो कर रहा है एडवाइस सजेशन जब किसी को सजेशन दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट वर्क हार्ड उसे मेहनत करनी चाहिए तो यहाँ पे हमने क्या दिया सजेशन दिया तो ये जो मस्ट मॉडल वर्ब है ना ये बहुत ही स्ट्रोंग मॉडल वर्ब है अब ये स्ट्रोंग मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है आपने किसी को मस्ट लगा के कोई चीज बोली ना तो आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि भाई करना तो पड़ेगा आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो प्रेशर लगा रहे हो कि तुम कुछ भी कहो करना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा तो अगर हम मस्ट यूज करते हैं तो हम उसको प्रेशराइज करते हैं जबकि अगर हम ऑट टू यूज करते हैं या फिर हम शुड यूज करते हैं तो उस केस में हम प्रेशराइज नहीं करते ओबे वन पेरेंट्स तो हम बहुत नॉर्मली बोल रहे हैं कि भाई आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए उनकी चीजों को फॉलो करना चाहिए You ought to work hard. आपको मेहनत करनी चाहिए अच्छा ऑट के आगे ना हमेशा टू लगाते हैं मेट हमेशा याद रखना ऑट के आगे क्या लगता है टू लगता है यू ऑट टू वर्क हार्ड भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी जब किसी चीज की होती है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस केस में भी ऑट टू का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल इट ऑट टू बी डन मतलब इस काम के होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उस केस में भी हम ऑट टू यूज करते हैं क्लियर सभी को तो ये थे हमारे सारे के सारे मॉडल्स अब हम आते हैं अगले पार्ट पे एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मार्जिनल मॉडल्स तीन मार्जिनल मॉडल्स हैं फिर इसके टेबल कंप्लीट करेंगे फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी डोंट वरी आजकल आप लोग कैसे हो हो? आप गए तो आपको पकड़ा तो है नहीं जिसको जाना है चले जाओ और उसको पढ़ना है जिसको लग रहा है कि भाई मेरे कुछ मदद आएगी मेरी ग्रामर स्ट्रांग होगी मेरी इंग्लिश स्ट्रांग होगी इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही सारे एग्जाम्स में तो पढ़ लो चलो तो अब हम आ रहे हैं मार्जिनल मॉडल्स पे और हम बात कर रहे हैं पहले मार्जिनल मॉडल की एंड दैट इज यूज टू यूज टू का मतलब क्या होता है यूज टू को हम दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं यूज टू को सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट के लिए किसी की कोई पुरानी आदत थी कोई पुरानी आदत थी का मतलब क्या है आई यूज टू वेकअप एट आई यूज टू वेक अपट थ्री एम मेरी पुरानी आदत थी कि मैं सुबह तीन बजे उठती थी तो जब हम किसी पुरानी आदत की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं यूज टू दूसरा यूज टू हम यूज करते हैं जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो जब पैसिव वॉइस में यूज टू आता है तो वो प्रेजेंट की बातें भी बता देता है फॉर एग्जाम्पल ही इज टू ड्राइविंग लेट एट नाइट रात को देरी से उसको ड्राइव करने की आदत है तो यूज टू को हम दो केसेस में यूज करते हैं पहला यूज टू हम यूज करते हैं जब कोई किसी की पुरानी आदत होती है आई यूज टू वेकअप एट थ्री ए एम ही यूज टू वॉच अ lot ऑफ टीवी सीरियल्स शी यूज टू डू दैट तो जब भी हम किसी की पुरानी आदत की बात करते हैं तो उस केस में हम यूज टू बात करते हैं और जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं तो हम पैसिव वॉइस में यूज टू यूज करते हैं ही इज यूज टू मतलब उसको लत पड़ी हुई है उसको आदत है रात को देरी से ड्राइव करने की समझ में आया यूज टू के दोनों केसेस कितने लोगों को समझ में आ गए हाँ शुभांगी करिए आई यूज टू प्ले इन द ग्राउंड हाँ मेरे को मैं मेरी पुरानी आदत क्या थी ग्राउंड में खेलने की आई यूज टू टेक परफेक्शन क्लासेज एवरी डेट एट थर्टी है थर्स्ट डे से परफेक्शन मैच टू पॉइंट ओ बहुत सारे चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस भी बताऊंगी अगला मार्जिनल मॉडल जो आता है वो है डेयर टू अभी बड़ा प्यारा मॉडल है क्यों ये बहुत प्यारा मॉडल है क्योंकि इसका मतलब होता है किसी के सामने हिम्मत दिखाना किसी को चैलेंज करना किसी को फेस करना तो जब भी हम किसी को चैलेंज करने की बात करते हैं किसी को फेस करने की बात करते हैं तो उस केस में जो हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं वो कौन सा होता है डेयर टू उसने हिम्मत दिखाई मुझसे एक सवाल पूछने की उसने इतनी हिम्मत दिखाई डेर डू का मीनिंग क्या होता है हिम्मत दिखाना किसी चीज को लेके चैलेंजिंग सिचुएशन में आना उसको हम बोलते हैं डेर टू डेर के साथ हम क्या लगाते हैं टू लगाते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है सेंटेंस कैसा होता है Affirmative होता है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है इस concept को बहुत ध्यान से समझना मेरा बहुत बार एग्जाम्स में आया है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डेर के साथ टू नहीं लगाते आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो डेर टू आया लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आया तो डेर के साथ टू नहीं लगता तो क्या लगता है ही डेर नॉट आस्क मी क्वेश्चन या फिर इस डेयर नॉट को आप कंबाइंड भी करके क्या लिख सकते हो ही आस्क मी क्वेश्चन तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में डेयर के आगे टू लगता है और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में डेर के आगे टू नहीं लगता यहां पे आप देखोगे मैंने के आगे टू नहीं लगाया और पॉजिटिव सेंटेंस था तो मैंने डेर के आगे टू लगाया कोई दिक्कत जैसा ये डेयर है वैसे ही अगला जो मार्जिनल मॉडल वर्ब है और जो कि आखिरी मॉडल वर्ब है आज का इसके बाद हम पूरी पूरी टेबल बनाने वाले हैं और वो है नीड नीड के केस में भी सेम होता है नीड के आगे टू लगता है जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अफर्मेटिव पॉजिटिव नीड का मतलब क्या होता है जरूरत होना रिक्वायरमेंट होना किसी तरह की नीड इज वॉट आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है आई नीड टू डू दैट लेकिन जब नीड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है तो वहां पे टू नहीं लगता वी डोंट यूज टू विद नीड इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल आई नीड नॉट डू तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे हम नीड के आगे टू लगाएंगे लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम नीड के आगे टू नहीं लगाएंगे क्या तीनों मार्जिनल मॉडल्स और ऑक्सिलरीज क्लियर है सभी को एवरी तो अभी हमने क्या किया बच्चे अभी हमने सारे के सारे मॉडल वर्ब्स पढ़े कौन सा मॉडल वर्ब कैसे यूज होता है कहाँ यूज होता है ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी अब हमें अगला क्या करना है अब आ जाते हैं टेबल पे लेट्स कम टू टेबल जितना भी हमने पढ़ा है उसको अब हम समराइज करते हैं तो सबसे पहला कैन चार केसेस थे परमिशन पॉसिबिलिटी कैपेसिटी रिक्वेस्ट सबके मैंने आपको यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कैन आई कम इट कैन रेन इट कैन डू इट कैन यू पास द सॉल्ट पास्ट ऑफ कैन था फॉर्मल रिक्वेस्ट था ही सेड दैट ही कुड डू इट कुड आई टॉक टू मिस्टर राम सिमिलरली मे और माइट मे को यूज करते हैं परमिशन के लिए मे आई कम क्या मैं आ सकता हूँ मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपका भला करे ऑप्टेटिव में ऑप्टेटिव किसी को ब्लेसिंग देने में पॉसिबिलिटी में इट मे रेन हो सकता है बारिश हो माइट पास्ट ऑफ में होता है ही सेड दैट इट माइट रेन उसने बोला कि बारिश होगी कम पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम माइट का यूज करते हैं इट माइट रेन हो सकता है बारिश हो आगे की टेबल आप लोग बनाएंगे विल शैल वु और कहां, कहां हम इनको यूज करते हैं सिमिलरली मस्ट ऑट टू यूज टू नीड ये सारी की सारी टेबल्स आप लोग फिल करेंगे और यही आपका होमवर्क है बेसिकली कि आप लोग मुझे बताएंगे कि इस टेबल में क्या क्या आएगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क करके देंगे जहाँ पे आप मुझे विल के यूजेस बताएंगे शैल के यूजेस बताएंगे वुड के यूजेस बताएंगे शुड के यूजेस बताएंगे या इनमें से किसी दो के यूजेस बता देना चाहिए कमेंट सेक्शन में इनमें से किसी दो के यूजेस बता देना जो बच्चे कमेंट करते हैं उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके कुछ प्राइजेस भी दिए जाते हैं अब मैं बताऊंगी लास्ट क्लास में किस बच्चे को प्राइज मिल रहा है बट कमेंट सेक्शन में इन चारों में से किसी भी दो के यूजेस बताएंगे सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मुझे भी आपको ये भी पढ़ाना है कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ब्स ये वर्ब के पार्ट थ्री में करेंगे दैट इज कल सुबह साढ़े बजे इसको कवर करेंगे और यहाँ पे फिर ये वर्ब्स की लिस्ट है जो मुझे आप लोगों को पढ़ानी है ये भी हम कल करेंगे सुबह साढ़े आठ बजे फाइन चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे ग्रामर ये बुक आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ये बुक है परफेक्शन ये है एक वोकेब्लरी वाली बुक तो जरूर ले लेना क्योंकि ग्रामर के साथ तो वोकैबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैबलरी हमें बिल्ड करनी ही करनी है तो ये वाली बुक तो सबके लिए मस्ट है ही है वो कैब प्रोडोजी जो आपको फ्लिप पे अवेलेबल हो जाएगी